आज दिवाली है? नहीं बहन। तो फिर पटाखे क्यों फोड़ रहे हैं? पापा मर गए इसलिए। मरने पर रोते पीटते है ना? पापा बहुत जालिम थे ना इसलिए। भैया भूख लग रही है। दरिद्र के जाने से मुझे खुशी हुई। मौसी मेरी बहन बहुत भूखी है, थोड़ी सी खिचड़ी दे दो। ये देखो अपने बाप की तरह छीन के खाने के लिए। चल भाग, तेरे बाप की कोई जमा पूंजी नहीं है। मेरी बहन को खिला दीजिए, बदले में मैं काम करूँगा। अभी भीख मांग रहे हो, बड़ा होकर अपने बाप की तरह गुंडागर्दी करेगा, पता नहीं तू कितनों की जान लेगा। चल भाग, गुंडे के फिर ले। नहीं भैया, किसी से कुछ भी मत पूछना, मुझे खाना नहीं चाहिए, भूख नहीं है। हम भी मर जाएंगे भैया। तुम यहीं बैठो बहन, मैं जल्दी आता हूँ। जल्दी आना भैया। जरूर आऊँगा, कसम से। कसम से? ये कहाँ से चुराया? चुराया नहीं, ये मेरी बहन का है। ये बात पुलिस से बोलो। अरे रे 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 रे। भूख से तड़पती अपनी बहन को खिलाने के लिए बहुत कोशिश की, पर बेरहम समाज ने मुंह मोड़ लिया। अपने पिता की गलतियों की सजा हम दोनों भाई बहन को मिली। अभी तक तो कोई नहीं आया, मेरे साथ चलो, तुम्हें स्कूल में पढ़ाई मैं कराऊंगा। मैं नहीं आऊंगी, मेरा भैया खाना लेकर आएगा। अभी तक कोई नहीं आया बेटी, हमारे साथ चलो। बेटा देख के चलो, उठो बेटा। तुम्हें अच्छे कपड़े मिलेंगे, अच्छा खाना मिलेगा, खेलने के लिए खिलौने भी मिलेंगे। ये लोग कौन हैं? कृष्ण मिश्री है बेटा, वो अनाथ बच्चों को अपने साथ रखकर उनकी देखभाल भी करते हैं। खाना भी खिलाते हैं क्या? हाँ खिलाएंगे बेटा, तीनों वक्त खिलाते हैं। हाँ हाँ बेटे, अच्छी तरह देखभाल करेंगे। अच्छी तरह देखेंगे बेटे। भैया मेरा भैया आ गया, वो लोग मुझे बुला रहे हैं। बेटे क्या ये तेरी बहना है? ये मेरी बहन नहीं है, ये सड़कों पर भीख मांगती है। हमदर्दी से मैंने बहन कहा तो मेरे पीछे पड़ गई। ले जाइए सर, ले जाइए। क्यों झूठ बोल रहे हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। ये लड़की कौन है मुझे नहीं मालूम, बेकार में मुझे तंग करती है। ले जाइए सर, ले जाइए। भैया भैया उस दिन से अपनी बहन को देखने के लिए हर रोज आश्रम जाता था। तुझे देखने के लिए 2 महीने से आ रहा है, उस लड़के की बात सच है? नहीं, मैं नहीं जानती उसे, मेरा कोई भाई नहीं है, मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई नहीं है। बोलिए जाने के लिए, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई नहीं है। उसकी जुदाई का गम उसकी फोटो से दूर करता रहा। अचानक किसी ने मेरी बहन को गोद ले लिया और वो मुझसे दूर हो गई। बड़े भाई होकर अपनी बहन की परवरिश नहीं कर सका, लेकिन भगवान ने उसे एक माँ बाप का प्यार दिलवा दिया। अपनी बहन को बहन ना कहने का अफसोस आज तक है मुझे। चिंता मत करो बेटे, भगवान सब ठीक करेगा।